स्टूडेंट से भरा हुआ है और हर दर्शक प्रतियोगी की हौसला अफजाई कर रहे हैं और बस अब कुछ ही क्षणों में ये रेस शुरू होने वाली है। रणवीर भाई, ऑल द बेस्ट। सही कहा तुमने, बेस्ट तो मैं हूं ही, वैसे तुझे भी ऑल द बेस्ट। थैंक्स, लेकिन मुझे कौन सा जीतना है? ये घोरेलाल इधर क्यों घूर रहा है? इडियट। अरे इसका ध्यान कहाँ है? ये रेस कभी भी शुरू हो जाएगी। बेटा फोकस। और ये रेस शुरू हो गई है। सभी प्रतियोगी पूरे जोश से भाग रहे हैं और ये दौड़, ये कंपटीशन बहुत रोमांच साबित होने वाला है। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए और अपने फेवरेट प्रतियोगी को चेयर अप कीजिए। एक्टिंग कर रहा है अपना भाई। अरे ऐसा लग रहा है सच में उसके पैर में कोई कंकड़ गिरा हो। बेटा उठ, उठ, जल्दी उठ। बेटा देख, ऐसे हार नहीं मानते, उठ, चल दौड़।
बेटा उठ उठ जल्दी उठ। अरे जूते निकाल। यमुना शेरों वाली बात बंक और से के पैरों में से खून निकल रहा है। क्या पागल हो गया है क्या? ये इतनी तेज क्यों दौड़ रहा है? जीत जाएगा तो उसे पैर में चोट भी लगी है। अनीस का दिमाग कहां पर है? ये क्या कर रहा है रोहित? तू भूल गया कि उसे हारना है। अरे रुपेंद्र, रास्तों में कांटे बिछा देने से रुपेंद्र सिंह वागला रुक नहीं जाए। इशिका, तू सच में रुपेंद्र के लिए क्लैप कर रही थी? शॉक से सर्दी, प्लीज जीत गया। इसका मतलब वो फिसड्डी नहीं बल्कि छुपा रुस्तम है, और ये बात अब तुझे भी माननी पड़ेगी, है ना? He's the winner यार। उसके पैरों पे ना कुछ कुछ चोट लगी थी, कोई काटा चुका, लेकिन फिर भी वो रेस जीत गया। क्या विल पावर है उसकी। रुको, ठीक है ना? तुझे पता है बंधु, कल मेरे घर आया था डीएसपी की यूनिफॉर्म में, लेकिन उसने एडमिट किया कि वो डीएसपी नहीं है। इतना ईमानदार है। छोड़ ना, सेकंड आने वाले के बारे में कौन सोचता है। लेकिन क्या नेल बाइटिंग फिनिश था, सीरियसली। वैसे रुपेंद्र को जीता हुआ देखकर मुझे तो बड़ा मजा आया, और अब तू भी मान ले
कि तुझे भी मजा आया है ना, भूख लग रही है ना। हाँ चल कैंटीन चलते हैं, फिर उसके बाद वुमेन्स रेस भी तो देखनी है। हाँ, हाँ, चल, चल। तरह मैं तुम्हारे सामने हूं शिका, सेकंड पोजीशन भी जीतना कोई जीतना होता है, ये मेरी फितरत में नहीं है। अब मैं तुम्हारे सामने तब आऊंगा जब मैं दरोगा बन जाऊंगा। अरे क्या हुआ पापा, शायद जीतो ने। पापा ठीक है। पापा ये आप लोगों की सुरक्षा व्यवस्था, अरे मुंजा छोरे के नए जूते उसके अंदर किला कैसे पहुंचा, बोलो जवाब दो। इतना भी ध्यान नहीं रख सकते आप लोग, जवाब दो मुझे। आऊं कार्रवाई करूंगा तुम लोगों के खिलाफ। पापा अब रास्ते हैं तो कील काटे तो सब मिलते ही रहेंगे ना। वाह इसे बोलते हैं मर्दों वाली बात, तुझे हिम्मत और हौसले की दाद देनी चाहिए। अरे क्या आप जाइए। हेलो पापा, आपको हिमानी बन के भी हौसले और हिम्मत की दाद देनी चाहिए। वो जो पाने की कोशिश कर रही है तो कोई छोटी बात नहीं। और आज की इस दरोगा बहाली प्रतियोगिता में तीन प्रतियोगी क्वालिफाई हुए हैं और इस दौड़ के प्रथम विजेता है रुपेंद्र सिंह वघेला। तो दोस्तों अब बस कुछ ही क्षणों में लड़कियों की दौड़ शुरू होगी। ओके निकलने का टाइम हो गया, आओ निकलता हूं। पापा मुझे पूरा विश्वास है कि हिमानी बहन इस दौड़ में जरूर फर्स्ट आएंगे, क्या आप उनकी जीत का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे? तुझे कितनी बार बोला है कि मौके लिए तो जी हिमानी बहन मर चुकी है। अरे बेटा ये क्या हुआ, तू ठीक तो है? मम्मी सब ठीक है, मामूली चोट है ठीक हो जाए। भाई तुझे कैसे लगा, ठीक है ना? अरे मैंने कहा ना मामूली चोट है ठीक हो जाए। वो छोड़, पहले तू ये बोल कि तू यहाँ आई कैसे है। जी वो किंजल चल घर चलते। रेस जीतने के बाद मुझे गोल्ड मेडल तो बाद में मिले, लेकिन मम्मी मेरी जीत में शामिल हुई है, ये किसी गोल्ड मेडल से कम नहीं। एक सुनहरा पहले से सुनहरा पर रहने दीजिए ना। Congratulations भाई, हमने आते ही अनाउंसमेंट सुनी तुम्हारे जीत की। आंटी हाय, क्या सरप्राइज है। आप पहली बार आए ना रूप के कॉलेज में? हाँ पहली बार आई हूँ, पर अच्छे मौके पे आई। बेटा जीत गया है और अब बेटी भी जीतेगी। मानी मैं ये निराश होने का वक्त नहीं है, आपको आज मम्मी के लिए हम सबके लिए जीतना ही होगा। ऑल द बेस्ट। हाँ ही मानी, कुछ पल के लिए अपने सारे दुख भूल जा और भाग भाग बेटा। ऑल द बेस्ट हिमानी बहन। रुक एक सेकंड, बैठ संभाल कर। दिखा अपनी चोट, दिखा। तो रुक
तू जीता क्यों? तुझे हारना था ना, इतनी चोट लगी फिर भी सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे जरूरी क्या है? कुछ क्या है? हिमानी बहन की रेस। चल मैं चेयर अप करते हैं। चल जा। तू लगी है ना, संभाल। धीरे धीरे। तो दोस्तों अब बस कुछ ही क्षणों में लड़कियों की दौड़ शुरू होगी। वुमेन्स इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। इससे कौन जीतता है? टीशर्ट वाले ने कितना अच्छा किया ना। हाँ। कब आए? बस 10 मिनट हुए भाई। सॉरी, बैठ भाई। हाँ भाई, बैठ रुपए। हमारी बेटी निशु की शादी का न्योता देने ही हम लोग यहाँ आए। सब लोग जरूर आना है जी। हाँ हाँ, जरूर आएंगे और ईशिका को भी साथ में लेकर आएंगे। क्या है कि शादियों में अच्छे लड़के मिलते हैं ना, क्या पता इसी मौके पर ईशिका का भी लगन नक्की हो जाए। हाँ जरूर जरूर कांति बहन। हमारी भाभी की सोच बहुत अच्छी है। हाँ। पर क्या है ना कि हमारी ईशिका भी पढ़ाई कर रही है, हमें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं। अरे जल्दी कैसे नहीं है काकी, जल्दी है ना। छोटी बहन की सगाई हो गई है, बोलो आपको तो सब पता ही है। पता तो तुम्हें भी सब कुछ है ना रोमिला बहू। ना क्या है विजय भाई, ये हमारी कांति चाहती है कि ईशिका का लग्न अच्छे घर में हो, अच्छा लड़का मिले, जैसे हमारी पूर्वी को मिला है। ये हमारी कांति अपनी ममता सिर्फ अपने सगे बच्चों तक सीमित नहीं रखना चाहती। विजय भाई आप फिक्र ना करें, हम सब आ जाएंगे। अरे मैं तो कहता हूँ शादी ब्याह का घर है, कोई काम वाम है तो बताइए भाई। हाँ भाभी जरूर बोलिएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अरे भाई साहब क्यों शर्मिंदा कर रहे, आप सब लोग बस समय पर आ जाइएगा। जी चौकस। अच्छा जी, जय श्री कृष्ण। रूपेश अपनी बीवी को समझा, मेहमानों के सामने अपना मगज ठंडा रख। हमारे इरादे नेक हैं, हम ईशिका का भला ही चाहते हैं। आपके इरादे कितने नेक हैं ये तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं मोटा भाई, इस चर्चा में हम ना ही पड़े तो अच्छा है। कंचन की बात निकलेगी बहुत दूर तक जाएगी। कंचन चलो। छोरे के साथ छेड़खानी, अरे मुझे छोरे के जूते में कीले डालने की साजिश, ये जो कोई भी आ उसे पकड़ूंगा और सजा जरूर दूंगा। ए समसे अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं, ये तेरे हाथ में मिठाई का डिब्बा है, चेहरे पे इतना गुस्सा है, मैं क्या समझूं? मोटी बहन मैं मौके समझ में आएगा तो आपको समझाऊंगा नहीं। अरे गोल गोल बातें मत कर, बोल ना पहले में क्या हुआ। मुंह मीठा कीजिए, पहला नंबर अपना छोरा रुपेंद्र। क्या बात कर रहे हैं? दूसरा नंबर अपना भतीजा रणवीर। ओ, 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 वाह वाह वाह। घर के दोनों छोरे
दरोगा बनेंगे मोटी बहन। अरे वाह वाह वाह। और आपकी बेटी भी पापा। हिमानी बहन दौड़ में फर्स्ट आई। लीजिए पापा मिठाई खाइए। नहीं नहीं अभी इतनी मिठाई खाई ना, ज्यादा मिठाई नहीं खा सकती, फिर शक्कर की बीमारी हो जाएगी ना। पापा आप तो खाइए। हाँ दूसरे की जीत में जश्न नहीं मनाता हूँ। हाँ अपने छोरे की जीत में जश्न जरूर मनाऊंगा और मिठाई भी खाऊंगा। आज तुमने अपने बाप का सीना और चौड़ा कर दिया है। मुंजा शेर रेस जीता है और मोटी बहन इसने साबित कर दिया कि इसकी रगों में शमशेर सिंह वगैरह का खून है। जानती है पांव में चोट लगी थी है? फिर भी रेस दौड़ा, इसीलिए और ऐसी दौड़ा कि रेस ही जीत गया। अब तो जलता पड़ी गयो। बस कल लिखित परीक्षा, परसों इंटरव्यू और तरसों एक ही खूटी पर तीन खाकी वर्दियां लटकी होंगी। हा, हा, हा। और ये देख के मुंजा सीना शेर की तरह और चौड़ा हो जाएगा। दोनों छोरे दरोगा। क्यों रणवीर? हाँ मोटा काका, वो खाकी वर्दी तो टंगी हुई, वो भी कड़क। पर तीन वर्दी नहीं सिर्फ दो। रुपेंद्र को खाकी वर्दी में देखने का आपका सपना खाक में मिलने वाला है। रुपेश भाई, कंचन, कंचन, रुपेश भाई। तुम्हारी लाडली इशिका की वजह से मेरे धवल को ऑफिस से पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। क्या धवल गिरफ्तार हो गए? भाभी संभालियो। भाभी नहीं मनीला भाभी, मोटा भाभी आप ऐसे काम करते ही क्यों? क्या ऐसी नौबत आए? हेलो एडवोकेट पिनाकी देसाई। अरे मेरा बेटा वहां सलाखों के पीछे है और आप कुछ करते क्यों नहीं है? सब शांत हो जाओ, सब सही हो जाएगा। भाई रुपेश तू भी एक बात सुन ले, जो लड़की इतनी मुफट हो कि अपने माँ बाप को अपने इशारों पे नचाए, बेहतर वो ससुराल जाके अपने पति को इशारों पे नचाए। देखते हैं वहां कितनी चलती है। अरे पर धवल के शांत हो जा, शांत हो जा, सब ठीक हो जाए। मेरा बेटा वहां पे लाइव फोन दीजिए, ईशु को फोन करके बता देती हूँ कि आज फिर खाना खाने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि आज इनकी किटकिट देर रात तक चलेगी। कंचन कंचन एक मिनट, क्लास में होगी डिस्टर्ब हो जाएगी, छोड़ दो पहले। ये रुपेंद्र के पैर में कील लगने के बावजूद जीत गया, मेरी जान नाकामयाब कर दी। इतना गुस्सा आ रहा ना ये? रुपेंद्र आज तेरी वजह से मैं इशिका से आंखें नहीं मिला पाया। सामने खड़ी थी यार वो,
लेकिन फिर भी आंखें नहीं मिला पाया मैं। उपेंद्र आज की तेरी ये जीत आखिरी जीत थी। कल से जितनी भी परीक्षाएं आएंगी तू मुझे नहीं हरा पाएगा, ये रणवीर सिंह बाघेला की कसम है।